हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगासन के चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि के योग सूत्र के बारे में। जानेंगे पतंजलि का जो प्रथम सूत्र है जिसमें पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। तो जैसे ही हम चित्त और वृत्तियों के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि चित्त क्या होता है और वृत्तियाँ क्या होती हैं और चित्त के कार्य क्या है और यह चित्त जो है वह किसके कहने पे काम करता है और कैसे करता है। और इस चित्त का एक स्वरूप और है जो कि हमें इन चित्तों में उलझाए रखता है। तो आखिरकार पतंजलि का जो यह प्रथम सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा कहने का अर्थ क्या है, हम इस दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला ये कि चित्त क्या है और दूसरा चित्त वृत्तियां क्या है। तो इसमें चित्त और वृत्तियां दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए कि जिस तरह से सिक्के के दूसरे तरफ ये लिखा हुआ होता है कि 1 रुपीस और उसके जस्ट पीछे भारत का साइन होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी चित्त और वृत्तियां दो हैं और इन दोनों के होने की वजह से हमारा अस्तित्व है। और इनमें से किसी एक का भी ना होने मतलब ये हुआ कि हम नहीं, यानी कि दोनों साथ साथ ही चलेंगे, अलग नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं कि चित्त होता क्या है। दोस्तों चित्त वह चीज है जो कि मानव के द्वारा जो जो चीजें किया जाता है या संपादित किया जाता है, एडिट किया जाता है, वह सभी जो क्रियाएं हैं वह चित्त के अंतर्गत आता है। और इस चित्त को जो करवाने वाला है वह आत्मा है और वृत्तियां जो हमारे इंद्रियां हैं जैसे मन, आंख, कान, नाक, मुंह, जिस तरह से इन सब को कंट्रोल कौन करता है, चित्त करता है, यानी कि चित्त यानी कि आत्मा। और इन आत्मा को भी और इन सब वृत्तियों को कंट्रोल करना ही चित्त वृत्ति निरोधा है। यानी कि जब आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपको किसी भी चीज का लत लगा हुआ तो आप उस चीज को कैसे निरोध करेंगे, यानी कि मना करेंगे। निरोध का मतलब होता है मना करना। तो चित्त को संभालना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप चित्त को संभालते हैं आपकी वृत्तियां जो है वह स्वतः ही स्वतंत्र से नियंत्रित होने लग जाती है। जैसे कि भाव आता है, कर्ता का भाव आता है कि मैंने खाया, मैंने सोया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बहुत तरह के चीजें करता हूँ, तो ये मैं का जो भाव है वह है चित्त। और वृत्तियां वह हो गई जिससे कि आप उनका सुख भोगते हैं, उनके द्वारा संपादित होते हैं, जैसे कि चलना, उठना, बैठना, सोना, गाना, ये सभी प्रकार की जो है ये क्या है, ये है आपकी वृत्तियां। यानी कि आंख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, ये सब जो क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा होता है, चित्त के द्वारा होता है, यानी कि आत्मा के द्वारा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आत्मा का जो दूसरा पहलू है वह मन। मन एक ऐसा पहलू है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप कहते हैं कि मेरा मन ये किया तो मैंने ये कर दिया, मेरा मन वो करेगा तो मैं ये कर दूँ। तो इस तरह से जो कंट्रोल करने वाला है वो है आपका मन, या एक तरफ से कह सकते हैं कि चित्त। मन और चित्त दोनों साथ चलने वाले हैं। जैसे ही आपका चित्त नष्ट होता है आपकी वृत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। और जब तक आपकी वृत्तियां हैं इसका मतलब ये हो गया कि आपके अंदर चित्त है, यानी कि वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, वह ताकत है जिसके बदौलत आप वह सब चीजें कर पा रहे हैं। तो चित्त और वृत्तियों का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि चित्त का मतलब होता है आत्मा और वृत्तियों का मतलब ये हो गया कि वह आत्मा
के द्वारा जो संपादित होकर जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वह सब के सब जो है वह है वृत्तियां, यानी कि जो कि कर्ता भाव होता है। तो हम सभी लोग जो है वह चित्त के अधीन है। जिस दिन चित्त हमारे इस भौतिक शरीर को छोड़ देता है उस दिन हमारे अंदर से सभी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जिस तरह से एक मृत शरीर में कोई भी क्रियाएं नहीं होती है, ना तो वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना महसूस कर सकता है, किसी भी तरह की फीलिंग को वह नहीं जान पाता है, वह पूरी तरह से शून्य अवस्था में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके अंदर चित था वह पूरी तरह से शांत हो चुका है, यानी कि शून्य हो चुका है, यानी कि वह ऊर्जा शून्य हो चुका है, खत्म हो चुका है। उदाहरण के लिए जब आप कभी वीडियो गेम खेले होंगे या खेलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि चांस मिलता है। जब आपके पास 100% का पावर होता है तो जब शत्रु सामने वाला जब गोलियां चला रहा होता है उसको बर्दाश्त करते हैं और करते करते क्या होता है कि जब आप नहीं बच पाते हैं या उससे सेफ्टी नहीं पा पाते हैं तो आपका 100% जो होता है वो जीरो पे चला जाता है और आपका जो चित्त है, यानी कि यूं कहें कि वह प्लेयर मर जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में जितनी वृत्तियां हैं, अगर इन वृत्तियों को कंट्रोल नहीं किया गया, नियंत्रित नहीं किया गया, तो हमारे शरीर के अंदर जो चित्त है, जो आत्मा है, जो मन है, वह मर जाएगा। और मन के मरते ही सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, सारी वृत्तियां, सारी चीजें खत्म हो जाती है। इसीलिए पतंजलि ने योग सूत्र के प्रथम ही अध्याय में यह चेतावनी दे दी है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि आप योग के माध्यम से, यानी कि ऐसा कैलकुलेशन के माध्यम से जब आप अपनी वृत्तियों पे नियंत्रण पा लेते हैं तब आप अपने चित्त को बचाने में बहुत हद तक सफल हो जाते हैं और इस चित्त के माध्यम से आप वह सभी कार्य कर पाते हैं जो कि इंद्रियों के अंतर्गत आता है। और इन इंद्रियों को अपने वश में रखना योगस्य चित्त वृत्ति कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि चित्त क्या होता है और वृत्तियां क्या होती है। चित्त का मतलब आप पहले भी समझ चुके होंगे जो कि मैं बता चुका हूं, और अब भी मैं आपको यही बताता हूं कि चित्त का मतलब आत्मा और वृत्तियों का मतलब ये हो गया कि चित्त जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि ये जो तीन प्रकार के चित्त हैं वह किस तरह से काम करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, और विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें आप जान सके कि चित्त के कितने रूप हैं और उसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझ पाएंगे आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से इस तीन टॉपिक को लेकर के।